भैया जैसे ही प्रह्लाद खम्भे से भेंटने के लिए तैयार हुए, अचानक हिरण्यकश्यप ने तलवार को चला दिया। तलवार प्रह्लाद में न लग के खम्भे में जा लगी। चर चर की आवाज हुई, खम्मा बीच से फट गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे, बोलिए नरसिंह भगवान की। प्रह्लाद खड़ा है, हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और जवाब दिया है कि तू अपने वरदानों की याद कर। तूने कहा था न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न तू ऊपर है न तू नीचे है। भगवान ने घुटनों पे रख लिया। तूने कहा था मैं न नर से मरू न पशु से मरू, न मैं नर हूं न पशु हूं, आधा आधा हूं। तूने कहा था न मैं जिंदा से मरू न मुर्दा से मरू, नाखूनों के द्वारा मारूंगा, न तो ये जिंदा होते न मुर्दा। काटोगे तो दर्द नहीं होगा न खून निकलेगा और आठ दिन बाद उतने ही बड़े फिर हो जाएंगे। तूने कहा था न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं, न तू भीतर है न बाहर है। भगवान ने बीच देरी पे चौकट पे रख लिया। तूने कहा था न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न दिन है न रात है। सूरज अस्त होने से 15 मिनट पहले, जिसे हम और आप संध्या बोलते हैं, भगवान उसी वक्त आए। और एक वरदान और मांगा था, महाराज मैं 12 महीनों में न मरूं। एक साल में कितने महीने होते? 12। भगवान बोले मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा एक लौंद का महीना तैयार करके रखा है, 13वां। मैं 12 महीनों में नहीं मरूंगा। पृथ्वी आकाश तो हिलने लगे, वो महाघोर संग्राम हुआ। आखिर नरिहर के हाथों से निश्चर का काम तमाम हुआ।
हिरण्यकश्यप जब मारा गया तो भगवान की बड़ी सी जीव, बड़े बड़े नाखून, देवी देवतागण डरने लगे। लेकिन मैया लक्ष्मी ने जवाब दो, ऐसी का बात है जो सब भाग रहे हम देखे? और कावत है कि पति जब गुस्सा हो जाए ना, पति अगर गुस्सा हो जाए और पत्नी सज धज करके एक बार मुस्कुरा दे, सब गुस्सा शांत। सो सबसे पहले मैया लक्ष्मी ने सुंदर सो भेष धारण करो और चल दई। बोले हम देख ले कैसे गुस्सा है। भगवान ने जैसे ही लक्ष्मी को देखो सो अट्ठा हंस करके हंसे,